पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा नगर में गहरा कोहरा छाने से लोगों द्वारा दिन में भी लाइट जलाने से रात के नजारे नजर आ रही है। साथ ही नगर में आने वाले वैष्णव को कोहरा से भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। छोटे छोटे बच्चों बुजुर्गों को इस कोहरे से परेशानी का सामना करना पड़ता है। साथ ही विगत कई माह से नाथद्वारा नगर में दर्शन एवं नगर में कोरोना की वजह से आई वैष्णवों की कमी से स्थानीय व्यवसायियों को रोजगार की समस्या से रूबरू होना पड़ रहा है। परंतु तिलायकत महाराज की आज्ञा व विशाल बाबा साहब के दिशा निर्देश के मुख्य निष्पादन अधिकारी जितेंद्र ओझा के नेतृत्व में श्रीनाथ जी मंदिर में सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अंतर्गत आम वैष्णवों को दर्शन व्यवस्था उपलब्ध करवाई जा रही है, जिसके चलते बाहर से आने वाले वैष्णवों को बाजारों में गरम गरम नाश्ता भोजन आदि की दुकानों पर भीड़ का जमाव लग रहा है एवं प्रशासन के द्वारा भी रेन बसेरा सहित लोगों के लिए सर्दी एवं बचने के लिए कारगर व्यवस्था उपलब्ध करवाई जा रही है एवं विगत दो दिनों से नाथद्वारा नगर में सूर्यदेव के दर्शन भी नहीं हो पा रहे हैं, जिसे दिन में भी लोगों को लाइट चलाकर अपना काम चलाना पड़ रहा है। मौसम को लेकर नगर के प्रबुद्ध वर्ग के अशोक सोनी से जानकारी प्राप्त करने पर बताया कि ऐसा मौसम विगत कई वर्षों बाद देखने को मिला है। इसका मुख्य कारण कोरोना काल और लॉकडाउन के समय पर्यावरण साफ होने से प्रकृति में भी बदलाव नजर आ रहा है।